बीजेपी यहाँ पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। अगर मान लीजिए 15 बीजेपी और 2 बीएसपी, अगर ये आंकड़ा रहता तो यहाँ ये होगा कि आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में फिर जो लड़ाई होगी वो हो जाएगी बीजेपी वर्सेस बीएसपी, क्योंकि पिछली बार बीएसपी के ही सांसद ज्यादा चुने गए थे, हालांकि सपा और बीएसपी मिलकर लड़े थे। तो ये लड़ाई हो सकती है अगर इस तरह, अगर ये स्थिति रहती है, क्योंकि आपको बता दें बीएसपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, सहारनपुर और आगरा भी उसमें जुड़ गया है, ताजनगरी में कुछ उलट फिर हो सकता है क्या, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बीएसपी में प्रत्याशी लता वाल्मीकि चल रही है आगे, तो ये बड़ी खबर लगातार जेपी बता रहे हैं। और अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है जो कि अपने दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं कि आखिर अयोध्या से क्या बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल आगरा से हम आपको बता रहे हैं, अयोध्या की भी अपडेट हम आपको बताएंगे। ये देखिए इलेक्शन ब्रेकिंग, अयोध्या मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, अयोध्या का क्या सूरत हाल है, चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई, अपडेट ये आकांक्षा, चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। बिल्कुल, तो देखिए अभी यहाँ बीजेपी प्रत्याशी को 27,464 अभी तक वोट मिल चुके हैं और जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं यहाँ उन्हें 13,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, तो यहाँ मार्जिन काफी ज्यादा तो नजर नहीं आ रहा है, 14,000 ही महज वोट मिले हैं अभी यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी को। लेकिन हाँ, बढ़त जरूर यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी ने बनाई हुई है, ये चौथे राउंड की काउंटिंग रही है यहाँ पर, जिसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ बीजेपी प्रत्याशी को 27,000 वोट अभी तक यहाँ पर मिल चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पीछे चल रही है और साथ ही बीएसपी भी यहाँ पर पीछे चल रही है। चुनाव कोई भी हो, चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अयोध्या का जिक्र जरूर होता है, राम मंदिर का जिक्र जरूर होता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता भी दिखाई दे रहा है। राम की बात होती है, अयोध्या की बात होती है और यहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी, राम का नाम जरूर सामने आता है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। सत्यप्रकाश, अपडेट क्या है? जी हाँ बिल्कुल, आज यहाँ पर मतगणना का जो है लगातार की काउंटिंग जारी है और लगभग छठवें चरण तक जो है नगर निगम मेयर पद के लिए जो मतगणना पूरी हो गई है और लंबे अंतराल से अब देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के बीच दुगना का जो है बीच के दौरा हो गया है और कहीं ना कहीं एक लंबे अंतराल के बीच जो है भाजपा लगातार बढ़त हासिल कर रही है। 14,000 से अधिक मतों से जो इसमें भाजपा आगे है और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं उसके समर्थकों, अगर वही जो अयोध्या नगर निगम के 7 वार्ड है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और निर्दल प्रत्याशी आ रहे, सामने आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी पीछे नजर आ रही है। शुक्रिया कहीं ना कहीं इस बार जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जेपी का रुख कर लेते हैं। जेपी, ओवर टू यू। जी, आप भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या दिखा रहे थे, हम अब आपको भगवान श्री कृष्ण की नगरी लेकर चलते हैं। मथुरा मेयर चुनाव का बड़ा अपडेट आ गया, बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने बड़ी लीड बना ली है, यहाँ भी लग रहा है कि बीजेपी का कमल खिल जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी श्याम सुंदर दूसरे स्थान पर है, यहाँ सपा और साइकिल की आपको बता दें यहाँ पर नजर नहीं आ रही। आगरा मेयर चुनाव की राउंड की मतगणना भी पूरी हो गई, दूसरे राउंड में 29,778 वोटों की गिनती पूरी हुई है, ये आपको आगरा और मथुरा का भी अपडेट दे रहे हैं। मथुरा में भी बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि आगरा के अंदर बीएसपी आगे चल रही थी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये आपको बता दें, और खास जगह अयोध्या और खासकर जो धार्मिक स्थल है उस पर सरकार का बड़ा फोकस रहा है, सौंदर्यकरण हुआ है वहां पर, बहुत चीजें हो रही हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उसका असर लग रहा है कि इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। अयोध्या में तो है ही और मथुरा में भी देखने को मिल रहा है, बकायदा यहाँ ब्रज नगर परिषद कोष बनाया गया, विकास परिषद कोष बनाया गया था। ठीक है, कन्हैया का एक बारी रुक कर लेते हैं। कन्हैया, मथुरा से क्या अपडेट है, जल्दी से बता दीजिए। कन्हैया, आवाज आ रही है आपको? संपर्क नहीं हो रहा है। जी जी कन्हैया बोलिए, अपडेट क्या है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मथुरा से हम आपको बता रहे थे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जेपी के पास चलेंगे। जेपी, इलेक्शन ब्रेकिंग क्या है? बिल्कुल, शाहजहांपुर लेकर चलते हैं, नया आपको बता दें नगर निगम बना है शाहजहांपुर, मेयर चुनाव चौथे राउंड की मतगणना, उम्मीद अगली लाइन यही होगी बीजेपी आगे। जी हाँ, अर्चना वर्मा लीड बनाई है, यहाँ पर बीजेपी ने सेंधमारी की थी सपा के खेमे में, उसका फायदा हो रहा है। निकट इकबाल दूसरे नंबर पर है और बीजेपी आगे चल रही है,
22,472 वोट मिले। सुरेश खन्ना यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं क्योंकि उनका इलाका आता है, वित्त मंत्री भी है सुरेश खन्ना, लगातार उन्होंने जीत का दावा किया था कि शाहजहांपुर नया मेयर पद बना तो हम जीत रहे हैं और जीत भी रही है। बीजेपी आगे कर रही है, अर्चना वर्मा लीड कर रही है बीजेपी की उम्मीदवार, ये बड़ी जान यानी समाजवादी पार्टी होगी। समाजवादी पार्टी की यहाँ पर स्थिति नाजुक लग रही है, यहाँ नजर नहीं आ रही है समाजवादी पार्टी। तो देखिए इस वक्त जेपी अपडेट कर रहे हैं आपको, ये शाहजहांपुर से लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां चौथे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और शिव कुमार इस वक्त अपडेट दे रहे हैं। शिव कुमार बिल्कुल, शाहजहांपुर में देखिए मेयर पद के लिए चौथे राउंड की मतगणना पूरी हो गई है, उसमें देखिए तो बीजेपी की जो प्रत्याशी है मेयर पद की प्रत्याशी अर्चना वर्मा वो 13,864 वोटों से आगे चल रही है। यही सामने आ रहा था कि समाजवादी पार्टी टक्कर देगी, लेकिन शाहजहांपुर मेयर पद को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो कांग्रेस पार्टी है वो सीधे टक्कर दे रही है बीजेपी को, यानी कि बीजेपी लगातार एक के बाद राउंड आ रहे हैं उसमें लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो जैसे कि हम बैकग्राउंड की बात पीछे आपको ले जाते हैं कि जो अर्चना वर्मा थी पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनको बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल कर लिया था और उनको अपना प्रत्याशी बनाया था, तो फिलहाल जीता हुआ प्रत्याशी था, लेकिन अब लगातार भारतीय जनता पार्टी मेयर पद को लेकर अपनी बढ़त बनाए हुए है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, अपडेट क्या है वो हम आपको बता रहे थे। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आगरा से भी एक और बड़ी खबर आ रही है, फिलहाल शाहजहांपुर से अपडेट हम आपको बता रहे थे, अलग अलग जगहों से कहां से क्या कुछ अपडेट आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ एक और इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए हर पल यहाँ पर एक नई अपडेट हमारे सामने आ रही है, एक नई बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। तो देखिए ये शाहजहांपुर को लेकर अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर, चौथे राउंड की यहाँ पर जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और यहाँ पर अभी कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर नजर आ रही है कि यहाँ पर कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर इस वक्त है, 8,608 वोट से दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर भी आगे नजर आ रही है। तो शाहजहांपुर की तरह ही चाहे आप प्रयागराज ले लीजिए, आप वाराणसी ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, तो ये कुछ वो जिले हैं जहां पर बीजेपी अभी बढ़त बनाए हुए रुझानों में नजर आ रही है, जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, हालांकि नतीजे नहीं है ये, फिर से हम आपको एक बार कह रहे हैं ये शुरुआती रुझान है। तस्वीर अलग की वार्ड वाइज अब धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर मेयर सीट को लेकर देखें तो थोड़ा सा वक्त अभी और लगने वाला है, लेकिन अभी जो रुझान कहते हैं वो बिल्कुल पिछली बार की तरह ही तस्वीर यहां पर भी नजर आ रही है। बीएसपी की अभी 2 सीट यहां पर रुझानों में नजर आ रही है और बीजेपी की यहां पर 15 सीट मेयर की अभी रुझानों में दिख रही है। 2 बीएसपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, फिलहाल का जो आंकड़ा है वो यही कह रहा है, फिलहाल की तस्वीर जो है वो यही कह रही है कि 17 में से 2 बीएसपी ले जाती दिखाई दे रही है और 15 पर भारतीय जनता पार्टी जो है आगे चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या यही टैली नतीजों में बदलती है, क्या यही आंकड़े नतीजों में बदलते हैं या फिर इसमें कुछ और बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन दिलचस्प होता जा रहा है मेरठ का चुनाव और वो भी हम बात करेंगे। लेकिन इस समय आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है, अहम खबर, आगरा से मेयर चुनाव में चौथे राउंड में बीएसपी प्रत्याशी लता वाल्मीकि आगे हैं। तो देखिए लगातार बीएसपी आगरा से बढ़त बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर बीएसपी के लिए एक अच्छी न्यूज जरूर दिख रही है। यहाँ बीएसपी प्रत्याशी 54,267 वोट अभी तक उन्हें मिल चुके हैं, ये चौथे राउंड को लेकर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो बीजेपी से प्रत्याशी है करीब करीब 32,000 वोट अभी तक उन्हें मिल पाए हैं, तो चौथे राउंड का ये अपडेट है जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये आगरा का अपडेट है, वोटों की गिनती में अभी बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पर आगे नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी के लिए यहाँ से गुड न्यूज अनुज। बिल्कुल, और एक बड़ा अंतर होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, आगरा में भी चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, चिंता का विषय है आगरा, और बीएसपी आगरा में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी आगरा में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उम्मीद इतनी थी नहीं, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि कड़ी टक्कर कुछ सीटों पर देखने को जरूर मिलेगी। तो ये देखिए अलग अलग जगहों का हाल,
हाल इस वक्त क्या है, क्योंकि टाइम अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि रुझान भी सामने आ रहे हैं, और जैसे जैसे करीब करीब हर जगह पर आप देखेंगे तो 3 से 4 राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी हो चुकी है पूरी।